तो यारों टाटा ने हैरियर का फर्स्ट जनरेशन का फेसलिफ्ट वर्जन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं दी ऑल न्यू टाटा हैरियर लेने का, तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारे इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स देने वाला हूँ अबाउट दी ऑल न्यू टाटा हैरियर। सो वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश महंत एंड यू आर वॉचिंग PM's फोटोग्राफी। तो अगर आज का वीडियो आपके किसी काम आता है तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, मैं वहाँ पर भी ऑटोमोबाइल के अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सर्च करें प्रकाश महंत, और कुछ भी क्वेरीज होंगी तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू टाटा हैरियर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैंने टाटा हैरियर के और भी वीडियोस बनाए रखे हैं। टाटा का जो सबसे खतरनाक दिखने वाला वेरिएंट जो आता है डार्क एडिशन, मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ जाऊँगा, तो प्लीज़ डार्क एडिशन वाला वीडियो और हैरियर के दूसरे वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अभी आप जो मॉडल देख रहे हैं उसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की। तो अभी आप देख रहे हैं टाटा हैरियर का एक्सी वेरियंट, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 17.65 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, और इसका ऑन रोड प्राइस जाता है लगभग 21 लाख रुपीज़ के आसपास का। और अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले वेरिएंट्स की। तो इसमें आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस मॉडल है XE, फिर है XM, फिर XT, फिर XZ, फिर टॉप एंड XZ प्लस। और इसमें कुछ कुछ अलग वेरिएंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि XT में आपको अब अलग से मिल जाता है XT प्लस, जिसको लेने पर आपको इसमें सनरूफ देखने को मिलेगा। और जो डार्क एडिशन की मैं बात कर रहा था वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है XZ एंड XZ प्लस में। और अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है डार्क एडिशन में तो वो भी मिल जाता है, जो है XZ ए एंड XZ ए प्लस। और बात करें इसमें मिलने वाले ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की, तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा XM मॉडल में और XZ ए मॉडल में और XZ ए प्लस मॉडल में। तो कुछ इस तरीके से इसका वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको सिर्फ एक ही डीजल इंजन मिलेगा, जो है 2.0 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटेक नाम का एक डीजल इंजन, जो कि 168 bhp की पावर, 3750 rpm पे और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क 1750 rpm पे जनरेट किया करेगा। और ये मेटेड है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। और इसका माइलेज है 16.35 किलोमीटर पर लीटर का, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर्स की, जिसको आप एक बार फुल फिल करवाते हैं तो आपको मिल जाता है 817 किलोमीटर्स तक की रेंज। और अब बात करें इस गाड़ी के कुछ खास फीचर्स की, तो दोस्तों ये गाड़ी बनाई गई है लैंड रोवर के D8 ओमेगा आर प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे और भी गाड़ियाँ बनाई गई है, जो है जैगुआर F-Pace, लैंड रोवर इवोक और लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट। ये गाड़ियाँ भी इसी गाड़ी के शैसी में बनाई गई है, जिसे कि D8 ओमेगा आर प्लेटफॉर्म नाम से जाना जाता है दोस्तों। और बात करें इस गाड़ी के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स की, तो वो तो आपको इसमें फुट कर मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें मिल जाते हैं 6 एयरबैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, और EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, BA ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, कीलेस एंट्री, फॉलो मी होम लैंप्स, ऑफ रोड ABS, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, और भी काफ़ी सारे इसमें आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के फीचर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको ज़ेनॉन HID हेडलैम्प्स मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और इसमें जो LED DRL मिलता है वो आपको ड्यूअल फंक्शन के साथ मिलता है, जिसमें कि LED DRL भी चलेगा और इंडिकेटर का काम भी वही करेगा दोस्तों। और नीचे देख सकते हैं फॉग लैम्प को, जो कि कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आता है, आप जिस साइड टायर को घुमाएंगे उस साइड वो जला करेगा। और फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है इस गाड़ी की,
और इस गाड़ी का जो डायमेंशन है वो भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है। और ये देख सकते हैं इसके ORVM जिसमें आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, मतलब कि रिट्रैक्टेबल है। और ये भी ड्यूअल टोन में आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच दे रहा है गाड़ी को। और ये क्रोम लाइन देख सकते हैं जो कि फ्रंट से लेकर के एंड तक जाती है, रियर एंड तक। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हैरियर की बैजिंग दी गई है क्रोम टच में, जो कि थोड़ा अलग अलग एंगल से देखने पर ही दिखाई देती है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रीमियम टच है टाटा की तरफ से। और ये क्रोम डोर हैंडल्स देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ये वाला जो ब्लैक बटन आप देख रहे हैं। और ये देख सकते हैं इसके टायर्स जिनका प्रोफाइल है 235x65R17 inches के ट्यूबलेस रेडियल टायर्स। और बात करें फ्रंट सस्पेंशन सेटअप की, तो फ्रंट पे आपको मैक पर्सन स्ट्रट विद कॉल स्प्रिंग विद एंटी रोल बार मिलता है, और रियर पे देख सकते हैं आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम विद पेन हार्ड रॉड एंड कॉल स्प्रिंग का सस्पेंशन सेटअप मिलेगा। और ये देख सकते हैं रियर प्रोफाइल, और इस गाड़ी में आपको फ्रंट पे डिस्क एंड रियर पे ड्रम ब्रेक मिला करेगा। और इसके LED टेल लैंप यूनिट्स देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग बना रहे हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल को, एंड काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक दे रहे हैं। आपको हो सकता है ये गाड़ी थोड़ी सी टाटा एल्ट्रॉस की याद दिलाए इसका रियर प्रोफाइल। और ये 3D इसकी बैजिंग देख सकते हैं हैरियर की, और यहाँ पर रियर वाइपर, और ये रहा टाटा का लोगो। और इसके नीचे आपको कैमरा मिलता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये रियर वाइपर देख सकते हैं, रियर डिफॉगर देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं इसके रियर विंड स्क्रीन पे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ शेर और उनके बच्चों की जो स्टिकर है वो बनाई गई है यहाँ पे। तो इसमें आपको छोटे छोटे कुछ प्रीमियम टचेस जो हैं देखने को मिलेंगे दोस्तों। और यहाँ ऊपर में आप हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देख सकते हैं, और ये स्पॉइलर देख सकते हैं रेड कलर में जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और आपको इसमें काफ़ी सारे वेरियंट्स में आपको इसमें डुअल टोन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि बॉडी का कलर जो है वो बॉडी का कलर रहेगा, और जो छत रहेगी वो ब्लैक कलर की रहेगी, वो होता है ड्यूअल टोन। और ये देख सकते हैं इसका रियर जो डिफ्यूज़र है बम्पर पे, काफ़ी बढ़िया शानदार बोल्डर लुक दे रहा है गाड़ी के रियर प्रोफाइल को। ड्यूअल एग्जॉस्ट का लुक आ रहा है, हालांकि इसमें आपको सिंगल एग्जॉस्ट ही मिलता है। और ये रिवर्स पार्किंग कैमरा देख सकते हैं, और रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं इसमें आपको। और चलते हैं अंदर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको इस गाड़ी के प्रीमियम इंटीरियर्स। और ये जो लेदर टच आप देख रहे हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में वो बनाए गए हैं बेनेक कैलिको के द्वारा। और ये देख सकते हैं पेडल लैंप यहाँ पर एक रेड कलर की, और ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल। और यहाँ पर स्टोरेज एरिया देख सकते हैं काफ़ी बड़ी दी गई है, और यहाँ पर एक अम्ब्रेला होल्डर मिलता है। और ये इसका हैंडल देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लेदर का टच दिया गया है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील आता है इसके इंटीरियर में। और ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स, और यहाँ पर पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच, और डैशबोर्ड पे वुडन फिनिश मिलेगा आपको। और ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसका वेलकम फीचर काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ये देख सकते हैं कि कितनी बड़ी MID डिस्प्ले मिलती है, और इसका ये देख सकते हैं पावर विंडो के कंट्रोल्स को, जो कि ऑटो अप एंड डाउन इसमें आपको नहीं मिल पाता। और ये देखते हैं डोर हैंडल्स काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं यहाँ पे। और ये ORVM का एडजस्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये काम करता है। ये देख सकते हैं रिट्रैक्ट हो रहा है, और फिर नीचे करेंगे तो ये वापस से फोल्ड हो जाता है कुछ इस तरीके से। और AC के वेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं, और ये वुडन फिनिश डैशबोर्ड पे, और नीचे बोनेट ओपन करने का लीवर, और ये देखते हैं इसका सीट रिक्लाइन करने का लीवर, और हेड एडजस्टेबल का रियर। अगर आप XZ प्लस लेते हैं तो उसमें आपको जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है। और ये फिनिशिंग देख सकते हैं, और ये साइड एयर बैग, इसकी सीट कवर की फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड लग रही है। और ये इसका स्टीयरिंग व्हील, और काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, जैसे कि राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल, और MID के जो बटन है वो मिल जाते हैं MID एडजस्ट करने का। और लेफ्ट साइड पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल एंड वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आती है इसकी स्टीयरिंग व्हील। और लेफ्ट साइड पे वाइपर देख सकते हैं जो कि ऑटोमेटिक वाइपर है, और राइट साइड पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको। और ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी शानदार भी दिखता है। और कुछ बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर इसकी यूजिबिलिटी के लिए, ताकि आप जल्दी से उसे एक्सेस कर पाएँ। और इसमें आपको 7 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें कि 4 स्पीकर हैं, 2 ट्वीटर है, और एक वूफर मिल जाता है इसमें आपको।
और यहाँ पर व्हीकल सेटअप और काफ़ी सारे इसमें एडजस्टमेंट मिलते हैं। और ये सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, GPS, नेविगेशन, ऑक्स, ब्लूटूथ, FM, iPod कंपेटिबिलिटी एंड वॉइस कमांड। और भी गाड़ी से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये म्यूज़िक प्लेयर आपको शो करेगा। और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं और AC के वेंट्स और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है इसमें आपको। और यहीं पर कुछ बटन्स भी दिए गए हैं आपको गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस कम या ज़्यादा करने के लिए। और नीचे देख सकते हैं ये भी जो सिल्वर कलर की टच है ग्लॉसी में, काफ़ी बेहतरीन लुक दे रही है दोस्तों। और ये AC के वेंट्स को ड्राइवर साइड के लिए। और ये एयर बैग देख सकते हैं डैशबोर्ड पे। और ये A पिलर पे ट्विटर्स यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि JBL लिखा गया है। JBL के द्वारा इसका जो म्यूज़िक प्लेयर है वो मिलता है। और ये एयर बैग एक और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं A पिलर पे। इस साइड का दिख नहीं पा रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक और एयर बैग, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। और ये ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और देख सकते हैं इसमें लैंप भी मिलता है। और काफ़ी डीप है इसका स्टोरेज एरिया, काफ़ी बढ़िया इसमें यूजिबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी मिलती है। और ये सनशेड जिसमें कि लाइट्स मिलते हैं आपको इसके वैनिटी मिरर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम टच देता है। और यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको। और इसकी रीडिंग लैंप देख सकते हैं वाइट कलर की दी गई है। और ये स्पीकर माइक के लिए जो दिया जाता है वो है। और ये सनशेड में कुछ भी नहीं मिलता ड्राइवर साइड। और ये इनसाइड रियर व्यू मिरर जो कि मैनुअल डिमिंग है। और नीचे पे भी स्टोरेज एरिया देखेंगे, यहाँ पर ऑक्स एंड USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और उसके पीछे ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। और ये रही गाड़ी की चाबी, जिसमें कि लॉक, अनलॉक, फॉलो मी होम लैंप का बटन मिल जाता है, और टेलगेट रिलीज का। और ये देख सकते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन, और लेफ्ट साइड पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का बटन। और 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं इसमें आपको, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स इसमें आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यहाँ पर देख सकते हैं इसके सारे कंट्रोल्स। और ये हैंड ब्रेक देख सकते हैं जो कि एयरप्लेन टाइप का है। और यहाँ पर आपको कभी होल्स मिल जाते हैं। और ये इसका आर्म रेस्ट जो कि ओपन होता है, ये देख सकते हैं स्टोरेज एरिया के साथ जो कि कूल्ड है। और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिल जाता है इसमें आपको। और यहाँ पर एक और फास्ट चार्जर मिल जाता है आपको सॉकेट। और यहाँ पर इसकी जो इंटीरियर की अपहोल्स्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है दोस्तों। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच इस गाड़ी के इंटीरियर में दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक डैट पेडल है, और ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल। क्योंकि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है इसलिए इस गाड़ी में आपको क्लच नहीं मिलता। और ये रियर भी देख सकते हैं क्रोम डोर हैंडल्स। और ये इंटीरियर देख सकते हैं ड्यूअल टोन में दिए गए हैं। और ये नीचे बॉटल होल्डर देख सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी बहुत ही बढ़िया है। और ये पावर विंडो के बटन। और इसका जो लेदर अपहोल्स्ट्री है वो मैंने बताया कि फेमस जर्मन कंपनी ने बनाया है, जैसे कि बेने कैलिको नाम से जाना जाता है, और JBL के ट्विटर्स। और ये देख सकते हैं इसके प्रीमियम रियर पैसेंजर सीट्स, जो कि 60-40 स्प्लिट सीट फंक्शन के साथ आते हैं। और सेंटर पे आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है विथ कप होल्डर्स। और इसी सीट में आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं। और रियर के लिए AC अभी दिखाता हूँ। और ये फ्रंट डैशबोर्ड की फुल्ली प्रीमियम लुक। और ये देख सकते हैं पैसेंजर के लिए रीडिंग लैंप्स। और आपको इसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो लेग रूम है वो लगभग 1 फीट का मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है। और फ्रंट की जो सीट है वो मेरे हेड के अकॉर्डिंग सेट है। और हेड रूम भी देखते हैं, काफ़ी बढ़िया है इसका हेड रूम भी। और ये देख सकते हैं बी पिलर पे आपको इसका जो AC के वेंट्स है वो मिलेंगे रियर पैसेंजर के लिए, बी पिलर्स में AC वेंट। और सेंटर पे आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिल जाता है थोड़ा सा। और ये फ्लम देख सकते हैं हम फ्लोर हम। और ये देख सकते हैं रियर पार्शल ट्रे, जैसे कि मैं आपको अभी पीछे से जा कर के दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी से पीछे में, फिर दिखाता हूँ इसके जो बूट स्पेस है। तो यहाँ से ओपन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट रिलीज आपको इसमें मिल जाता है। अभी वेट है इसके टेलगेट में भी। और ये देख सकते हैं 425 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है इसमें आपको। और वो देख सकते हैं इसका 60-40 स्प्लिट सीट। और इसमें बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वूफर मिलता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है इसका वूफर भी। तो साउंड क्वालिटी का लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। और ये लगेज लैंप,
और यहाँ पर आपको कुछ टूल किट्स मिलते हैं, और इसका जो स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे में मिलेगा अंडर बॉडी, और यहाँ पर भी टूल किट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूजेबिलिटी काफ़ी बढ़िया दी गई है, प्रैक्टिकलिटी। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। होप सो कि आज का ये वीडियो आपके किसी काम आया होगा। अगर काम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से अपडेट्स देता रहता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च करें, फॉलो करें प्रकाश महंत।